हेलो स्टूडेंट्स, टर्निंग पॉइंट टेक्निकल क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जो आगे के टॉपिक्स थे उसको कवर करेंगे। ठीक है, पिछले लेक्चर में मैंने आपको जो स्ट्रेस सिस्टम क्या होता है, डायड स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस और टॉर्जन स्ट्रेस उसके बारे में बताया था। उसके बाद अपन ने इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स को पढ़ा था, ठीक है, और उसमें हुक का जो है नियम है, हुक्स लॉ, उसको अपन ने स्टडी की थी। हुक्स लॉ क्या होता है, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, कहाँ पे, अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट तक। ठीक है, तो उसी में आगे हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ हुक्स लॉ, हुक्स लॉ की एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, अब देखिए केस वन, इफेक्ट ऑफ यूनिएक्सियल लोडिंग। ठीक है, यूनिएक्सियल लोडिंग का मतलब है कि मान लो कोई कोई ब्लॉक है अपना और लोडिंग लग रही है सिर्फ एक ही दिशा में, यूनि एक्शन यानी एक ही डायरेक्शन में। लेट सपोज ये एक हमारा ब्लॉक है, ठीक है, एल लेंथ है, ठीक है, इसकी डी इसकी क्या है विड्थ है और बी इसकी डेप्थ है, एक्स वाई और जेड के अलोंग। ठीक है, एक्स में हो गया आपका एल, ठीक है ना, वाई में हो गया बी और जेड में हो गया इसका डी। ठीक है ना, और लोड लग रहा है सिग्मा एक्स कहाँ पे, यूनि एक्शन एक ही दिशा में, दैट इज लॉन्गिट्यूड में लग रहा है। और इसका जो है नोटिफिकेशन वो क्या है, जो फोर्स है क्या, टेंसाइल है, क्योंकि ये सेक्शन से अगर एरो बाहर निकलता तो टेंशन होता है और उसके अंदर का तो कंप्रेशन होता है। ठीक है, अब हमको पता है हमारा जो हुक्स लॉ वो क्या है, एज पर हुक्स लॉ स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यानी कि स्ट्रेस क्या है, सिग्मा एक्स प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन एक्स। ठीक है, और सिग्मा एक्स क्या होगा, ई इंटू एप्सिलॉन एक्स, ई दैट इज यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सो एप्सिलॉन एक्स यानी कि स्ट्रेन इन यूनि डायरेक्शन, यानी कि इस डायरेक्शन में स्ट्रेन कितना होगा, सिग्मा एक्स अपॉन में ई। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, देखो जब ये वाला सिग्मा एक्स लग रहा है एक्स डायरेक्शन में, तो इस सिग्मा एक्स के कारण ये जो अन्य डायरेक्शन होगी कौन सी, बी और ये जो बी और ये डी है, यहाँ भी कुछ ना कुछ इफेक्ट तो आएगा आएगा, क्योंकि जो एप्सिलॉन एक्स है तो एप्सिलॉन वाई भी होगा, एप्सिलॉन जेड भी होगा, स्ट्रेन सब जगह स्ट्रेन आएगा। ठीक है, तो देखिए हमको पता है कि जो होता है अपना पॉइजन रेशियो, पॉइजन रेशियो, पॉइजन रेशियो क्या होता है, पॉइजन रेशियो बोलता है कि म्यू बराबर में लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, अब देखिए सिंपल सी बात है, जब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन एप्सिलॉन एक्स है, ठीक है, तो अगर इसको अपने रेफरेंस मान लिया तो इसके सापेक्ष में दो और हो जाएंगे लेटरल कौन से, एक तो यहाँ मान लो एप्सिलॉन जेड और यहाँ पे एप्सिलॉन वाई, दोनों का रेफरेंस क्या रहेगा, एप्सिलॉन एक्स, क्योंकि ये क्या है लॉन्गिट्यूडनल और वो क्या है लेटरल है, तो एप्सिलॉन वाई और एप्सिलॉन जेड क्या आएंगे, लेटरल या ट्रांसफर स्ट्रेन हो जाएंगे। ठीक है, और हमको पता है कि जो होता है म्यू दैट इज पॉइजन रेशियो क्या, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, माइनस का मतलब क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन अगर बढ़ रहा है तो लेटरल डायमेंशन में कमी हो रही है, तो म्यू क्या हो जाएगा, लेटरल माइनस एप्सिलॉन वाई अपॉन एप्सिलॉन एक्स और माइनस एप्सिलॉन जेड अपॉन एप्सिलॉन एक्स, क्योंकि मैंने बताया ना आपको अगर रेफरेंस एप्सिलॉन एक्स एक्स डायरेक्शन में है यानी लॉन्गिट्यूडनल है तो एप्सिलॉन वाई और जेड को कहेंगे लेटरल डायरेक्शन में कहलाएंगे, तो वो देगा म्यू इनटू एप्सिलॉन एक्स। तो इसको अगर फॉर्मूले कैसे लिखें, तो एप्सिलॉन वाई और एप्सिलॉन जेड क्या होगा, म्यू इनटू एप्सिलॉन एक्स, एप्सिलॉन एक्स क्या होगा, सिग्मा एक्स अपॉन में ई, ये रहा यहाँ पर कर दिया प्लस मतलब टेंशन, नेगेटिव मतलब कंप्रेशन। तो इससे हमें क्या पता लगा, एप्सिलॉन एक्स क्या होता है, यानी कि स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन डेल्टा एल अपॉन में एल, यानी चेंज इन लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ, यानी सिग्मा एक्स अपॉन में ई, एप्सिलॉन वाई यानी कि डेल्टा बी अपॉन में बी, ये वाला डेल्टा बी अपॉन में बी, और एप्सिलॉन जेड डेल्टा डी अपॉन में डी, ये हो जाएगा माइनस का म्यू सिग्मा एक्स अपॉन में ई, यानी कि एप्सिलॉन एक्स तो होगा सिग्मा एक्स अपॉन में ई, एप्सिलॉन वाई माइनस का म्यू सिग्मा एक्स अपॉन में ई और एप्सिलॉन जेड माइनस का म्यू सिग्मा एक्स अपॉन में ई। ये कब होगा, ये होगा इफेक्ट ऑफ यूनिएक्सियल लोडिंग, अगर यूनिएक्सियल लग रही है लोडिंग तो वही कंडीशन। ठीक है, तो इसमें अगर बात करें वॉल्यूमेट्रिक यानी कि एप्सिलॉन वी क्या होगा, तो जोड़ दो आप एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई प्लस एप्सिलॉन जेड, ये आपका एप्सिलॉन वी क्या होगा। ठीक है, ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ ट्राइएक्सियल लोडिंग, इफेक्ट ऑफ ट्राइएक्सियल लोडिंग। अब देखिए ट्राइएक्सियल लोडिंग क्या होती है, कि जब लोडिंग क्या हो, तीन दिशा में लोडिंग लग रही हो, कहाँ लग रही हो, तीन दिशा में लोडिंग लग रही है, देखो कैसे। अब देखिए ये वो सेम ब्लॉक है, लोडिंग होगी तीन डायरेक्शन में, यानी एक्स भी लग रहा है, वाई भी लग रहा है और जेड भी लग रहा है,
ठीक है, लोडिंग तीनों दिशा में, लोडिंग एक्स वाई जेड तीनों लग रही है। देखिए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन क्या होगा, एप्सिलॉन एक्स डेल्टा एक्स अपॉन में ई, दैट इज सिग्मा एक्स अपॉन में ई माइनस म्यू सिग्मा वाई अपॉन में ई माइनस म्यू सिग्मा जेड अपॉन में ई। क्यों? क्योंकि अगर ये लेटरल है, ये लॉन्गिट्यूडनल है एक्स, तो दोनों क्या होंगे लेटरल। अगर यहाँ वैल्यू पॉजिटिव है तो उन दोनों में क्या होगी नेगेटिव हो जाएगी अकॉर्डिंग टू पॉइजंस रेशियो। ठीक है, और इसी तरह बात करें आगे, देखिए आगे बात करें, जब लॉन्ग डिस्टेंस का एक्स डायरेक्शन में तो एप्सिलॉन एक्स एप्सिलॉन वाई और एप्सिलॉन जेड देखो डेल्टा डी अपॉन में डी सिग्मा जेड अपॉन में माइनस म्यू सिग्मा एक्स अपॉन में माइनस म्यू सिग्मा डी अपॉन में। ठीक है, इन तीनों पर ऐड करेंगे तो वॉल्यूमेट्रिक रेशियो आ जाएगा हमारा सिग्मा एक्स अपॉन में ई, ये सारी वैल्यू रखेंगे पुट करेंगे तो हमारा जो फाइनल आंसर बनेगा एप्सिलॉन वी सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड अपॉन में ई माइनस टू म्यू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड। ठीक है, यहाँ पे कॉमन क्या है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड ब्रैकेट में वन माइनस टू म्यू। ठीक है ना, कैसे सोचेंगे ये बार बार सर यहाँ पे इतना ऐसा ब्लैक क्यों कर देते हैं, ये रेड क्यों कर देते हैं, ये यहाँ पे क्या एक्चुअली ये नोट्स मेरे द्वारा बनाएंगे, मेरा नाम ही है और मेरे फ़ोन नंबर लिखे हुए हैं, पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है तो इसको मैं डैश कर देता हूँ। ठीक है, आपको इससे कोई लेना देना नहीं है, आप अपना फोकस केवल मटेरियल पर रखें। ठीक है ना, ये एस डी सर लिखा हुआ है और तो ये आप फोकस अपना देखिए सिर्फ मटेरियल पर जो मैं बढ़ा रहा हूँ इस पर आप ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है ना, थोड़ा कुछ पेजेस में ये है पर आगे नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो आगे देखिए अपने एप्सिलॉन वी क्या है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड अपॉन म्यू वन माइनस टू म्यू। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया थ्री सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन वी वन माइनस टू म्यू। ये रिलेशन किसमें ई और के में रिलेशन है, साथ में म्यू भी है। ठीक है, और ये देखो के क्या है बल्क मॉडुलस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन वी। ठीक है, एप्सिलॉन वी क्या होता है डेल्टा वी अपॉन वी यानी चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। अगर मान लो डेल्टा वी जीरो है तो जीरो अपॉन में वी हो जाएगा, तो क्या होगा जीरो, तो क्या होगा सिग्मा अपॉन में जीरो और सिग्मा अपॉन जीरो कितना होता है इन्फिनिटी। तो अगर मेटल इनकम्प्रेसिबल है तो बल्क मॉडुलस क्या होगा इन्फिनिटी होगा। ठीक है, तो ये बराबर में थ्री के वन माइनस टू म्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस टॉपिक्स को आप इसे समझ सकते हो। ठीक है, बाकी इस ये टॉपिक जो हैं इसको आप कवर करना आराम से अपने आगे धीरे धीरे करके सब करवाएंगे। बस यदि ध्यान रखना अभी जैसे कि अभी ये कोरोना पेंडेमिक चल रहा है तो इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग घर पे रहिए आराम से और आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ठीक है, हम लोग अगर ढंग से रहेंगे घर पे पढ़ाई पे ध्यान देंगे और अपना अननेसेसरी बाहर नहीं निकलेंगे और पॉजिटिव रहेंगे तो निश्चित रूप से हम इस कोरोना को हरा देंगे। ठीक है, तो ये था अपना टॉपिक ई बराबर थ्री के वन माइनस टू में, आगे चलते हैं। नेक्स्ट अपना इंटर रिलेशनशिप बिटवीन इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स, इनकी जो प्रॉपर्टी है इनका आपस में संबंध क्या है। ठीक है, ई और जी और सी, जी और सी क्या बल्क मॉडुलस या शियर मॉडुलस और ई यंग्स मॉडुलस। ई बराबर में टू जी वन प्लस म्यू, याद रखना। ई और के में अभी देखे अपने ई बराबर में थ्री के वन माइनस टू म्यू। ठीक है, और म्यू इज इक्वल टू वन अपॉन में एम होता है। ठीक है, और देखते हैं आगे नेक्स्ट है अपना ई के और जी में, ई बराबर में नाइन के जी अपॉन में थ्री के प्लस में जी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी म्यू के जी, ठीक है ना, म्यू के जी में संबंध है तो म्यू बराबर में थ्री के माइनस टू जी अपॉन सिक्स के प्लस टू जी। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखें ये प्रॉपर्टीज हैं सारी। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एक्सियल डिफॉर्मेशन ऑफ पार्ट्स। ठीक है, अब देखिए अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, हुक्स लॉ क्या बोलता है स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, प्रोपोर्शन हटाएंगे तो क्या आएगा यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। स्ट्रेस क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया पी अपॉन में न्यूटन पर एम स्क्वायर और स्ट्रेन चेंज इन लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ यूनिटलेस क्वांटिटी है। इन वैल्यूज को यहाँ पुट करता हूँ तो देखिए सिग्मा बराबर पी अपॉन में ई का ई और एप्सिलॉन डेल्टा अपॉन एल। तो डेल्टा एल दैट इज डिफॉर्मेशन या डिफ्लेक्शन, डेल्टा एल का पी एल अपॉन में ए ई बन गया ना फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पे देखिए ए ई क्या होता है, ई होता है एक्सियल रिजिडिटी और ई आई फ्लेक्सरल रिजिडिटी कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखना ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट आपको पता ही है।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टिफनेस। स्टिफनेस क्या होता है? फोर्स पर यूनिट डिफ्लेक्शन। लेट सपोज ये कोई कैंटिलीवर बीम है, यहाँ पे आपने पी फोर्स लगाया है, अब यहाँ पे टेंशन है तो यहाँ पे एक्सटेंशन होगा। अगर इसकी स्टिफनेस ज़्यादा है तो एक्सटेंशन कम हो जाएगा, यानी कि स्टिफनेस ज़्यादा तो फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है। और अगर इसकी जो है स्टिफनेस कम है तो फ्लेक्सिबिलिटी क्या होगी? ज़्यादा। स्टिफनेस कम तो फ्लेक्सिबिलिटी मोर, और स्टिफनेस ज़्यादा तो फ्लेक्सिबिलिटी कम। तो स्टिफनेस दैट इज फोर्स पर यूनिट डिफ्लेक्शन, फ्लेक्सिबिलिटी इज डिफ्लेक्शन पर यूनिट फोर्स, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे है डिफ्लेक्शन ऑफ ए स्टेप्ड बार। देखिए ये कोई बार है और टेंशन फोर्स लग रहा है पी यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ये बार स्टेप्ड है, दैट मीन्स कि यहाँ पे और यहाँ से यहाँ तक देखिए A1 L1 अलग है, A2 L2 अलग है और A3 L3 अलग है। इन तीनों का जो एरिया है वो डिफरेंस है, लेंथ भी अलग है और एरिया भी अलग है। तो डिफरेंस होता है पी एल अपॉन में ही, ठीक है। तो हम इसको तीन हिस्सों में डिवाइड कर लिया, डेल्टा डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू प्लस डेल्टा थ्री, यानी पी एल वन अपॉन ए वन ई, पी एल टू अपॉन ए। देखो पी सेम है ना, पी यहाँ पे सेम है लेकिन एल और ए डिफरेंट है। अगर यंग मॉडल्स भी अलग होता तो उसको भी अलग कर लेते, ठीक है, ध्यान रखना इसे। तो ये सिंपल फॉर्मूला है, जब स्टेप बार हो तीनों का अलग निकाल के ऐड कर लेंगे, फाइनल हमारा डिफ्लेक्शन आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए डिफ्लेक्शन ऑफ ए सर्कुलर टेपर्ड बार, ठीक है। सर्कुलर टेपर यानी कि देखो ये बार है और ये सर्कुलर है और टेपर्ड है, दिख रहा है आपको? यहाँ पर डायमीटर डी वन है, यहाँ पर डायमीटर डी टू है, फोर्स सेम ही लग रहा है कि सब उसकी लेंथ एल, ठीक है। इसमें बोलता है इफ डिफ्लेक्शन ऑफ अ टेपरिंग बार इज फाउंड बाय टेकिंग एवरेज डायमीटर देन रिजल्ट विल बी नॉट सेफ सेटिस्फाई। वो बोल रहा है कि हम इसका जब डिफ्लेक्शन निकालेंगे तो हम ना डी वन लेंगे ना डी टू लेंगे, ये हम कहीं ना कहीं यहाँ पे सपोज अपने डी एक्स ले लेंगे, किसी एक्स सेक्शन पे ले लेंगे डी एक्स और इसके अकॉर्डिंग हम निकालेंगे, ठीक है। और ये जो एक्चुअल्स हो ये वैल्यू थोड़ा डिफर करेगी, ये कह रहा था भाई, ठीक है। आगे बोल रहा है वो इफ डायमीटर चेंज फ्रॉम डी टू डी, यानी देखिए यहाँ पे डी था यहाँ पे टू डी था, तो एक्चुअल डिफ्लेक्शन और एवरेज डिफ्लेक्शन कितना डिफर होगा? 11.3%, यानी कि एक्चुअल और एवरेज में लगभग 11.3 का डिफरेंस आ जाएगा डिफ्लेक्शन में, जब हम एवरेज क्या लेंगे? डायमीटर लेंगे। ये देखिए डी एक्स ऐसे निकलता है, डी एक्स डी वन प्लस डी टू माइनस डी वन इंटू एक्स अपॉन में एल, और फॉर्मूला होगा इसका तो पी एल अपॉन में ई होता है, पी एल अपॉन में ए इंटू ई, ई तो ये रहा ए की तो का पाई बाई फोर डी स्क्वायर, तो यहाँ पाई बाई फोर डी इंटू कर लेना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पूछा गया है, ठीक है। कॉनिकल बार डायमीटर चेंज हो रहा था, ठीक। नेक्स्ट डिफॉर्मेशन ऑफ बार ड्यू टू सेल्फ वेट। नेक्स्ट है डिफॉर्मेशन ऑफ बार एंड डिफ्लेक्शन ऑफ बार ड्यू टू सेल्फ वेट, ठीक है। अब देखिए बार का खुद का जो वेट है उसका डिफ्लेक्शन कितना होता है वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए ये कोई बार है, इसलिए कि डायमीटर की वो बार है जिसका ये जो सिरा है ये क्या फिक्स्ड है बी पॉइंट, और ये इसका ए पॉइंट होगा, इसकी लेंथ एल है। इस बार को हमने बोल दें वर्टिकल कैंटिलीवर। देखो वर्टिकल कैंटिलीवर क्या है, यहाँ से दीवार में फिक्स हो गया और नीचे बार को लटका दिया, तो ये बोल रहा है इसका जो खुद का जो वेट है, खुद का जो वेट है उस कारण डिफ्लेक्शन क्या होगा। देखिए बार कौन सी है, पहला हमने ये रहते हैं प्रिज्मेटिक बार। प्रिज्मेटिक बार वो होती है जिसका जो एरिया हो गया यंग्स मॉडुलस और आई, एरिया यंग्स मॉडुलस ई ले लो और चाहे आप आई ले लो, वो तीनों उसका सेम होता है, सेम मतलब कॉन्स्टेंट रहता है, वेरी नहीं करता, सेम तो नहीं रहेगा लेकिन इसका वेरी नहीं करेगा, ठीक है ना। यानी कि उसका जो थ्रू आउट जो एरिया वो सेम ही रहेगा, यंग्स मॉडुलस का मान भी सेम रहेगा, ठीक है। तो देखिए अगर बात करें वेट, तो किसी बार का खुद की जो बार है, इस बार का सपोज मैंने मान लिया यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर मैंने इस पूरी लेंथ में, इस पूरी लेंथ का मैंने डी एक्स पोर्शन ले लिया, इस डी एक्स पोर्शन इस ब्लॉक पे ले लिया, मैंने इस ब्लॉक का वेट माना डब्ल्यू एक्स है, तो वेट अपॉन वॉल्यूम, यानी कि हम बात करें गामा, यानी डेंसिटी यूनिट वेट क्या होता है, वेट अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इनटू लेंथ, ठीक है,
सिंस गामा इज इक्वल टू वेट अपन वॉल्यूम, तो गामा इज इक्वल टू डब्ल्यू अपन में वॉल्यूम ए इंटू एल, तो डब्ल्यू से होगा गामा ए इंटू एक्स। ठीक है, अब देखो स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स कौन सा है, सेल्फ वेट डब्ल्यू एक्स, और एरिया कितना होगा ए, तो डब्ल्यू एक्स फोर्स क्या होगा, एरा डेंसिटी इंटू एरिया इंटू लेंथ अपॉन एरिया, ए से ए गया तो गामा इंटू एल, एंड स्ट्रेस क्या होगा, गामा इंटू एल आएगा। अब देखिए स्ट्रेस का वेरिएशन देखिए, अगर इस पॉइंट पे यहाँ पे मैं जीरो एक्स का मान जीरो से लेकर एल तक वेरी कर रहा है ना, यहाँ पे अगर मैं एक्स का मान यहाँ जीरो रखता हूँ तो देखिए क्या हो रहा है, जीरो स्ट्रेस हो रहा है, और यहाँ पे कितना हो रहा है, गामा इंटू एल, यानी स्ट्रेस का मान भी जीरो से गामा एल वेरी कर रहा है, ये भी वेरिएशन इसमें आ रहा है। ठीक है, तो देखिए नाउ डिफ्लेक्शन ऑफ एलिमेंट लेंथ डीएक्स, क्योंकि उसके एलिमेंट के लिए आपने क्या माना, डीएक्स मान की लेंथ, तो डिफ्लेक्शन क्या होगा, पी एल अपॉन में ई। ठीक है, अब एलिमेंट की लेंथ हमने हम के डीएक्स है और हमें टोटल निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, जीरो सेल डेल्टा डेल्टा इज़ डब्ल्यू इंटू डीएक्स अपॉन ई, डब्ल्यू क्या ए इंटू गामा इंटू एक्स अपॉन इंटू डीएक्स अपॉन में ए से कट गया, तो गामा एक्स डीएक्स अपॉन में ई, तो डी डेल्टा कितना होगा, गामा एक्स डीएक्स अपॉन में ई, जीरो सेल कर रहे हैं, और एक्स तो एक्स स्क्वायर बाय टू जीरो सेल, यानी कि गामा एल स्क्वायर अपॉन में टू ई, यानी डिफ्लेक्शन ऑफ प्रिज्मेटिक बार ड्यू टू सेल्फ वेट होगा गामा एल स्क्वायर अपॉन में टू ई, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये जो डिफ्लेक्शन है ऑफ प्रिज्मेटिक बार ड्यू टू सेल्फ वेट, ये किस पर डिपेंड कर रहा है, गामा पर डिपेंड कर रहा है, लेंथ पर कर रहा है, और यंग्स मॉडुलस पर, क्या उसके एरिया पर डिपेंड कर रहा है, नहीं एरिया पर डिपेंड नहीं कर रहा, डिपेंड अपॉन लेंथ ओनली, इट इज डिपेंड अपॉन लेंथ ओनली नॉट एरिया, तो गामा एल स्क्वायर अपॉन टू ई क्या होगा, डिफ्लेक्शन ऑफ कॉनिकल बार ड्यू टू सेल्फ वेट। अब देखिए इफ डिफ्लेक्शन ऑफ कॉनिकल बार इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया, अगर एरिया पर डिपेंड इंडिपेंडेंट एरिया पर डिपेंड नहीं करता, इफ ऑल डायमेंशन आर डबल देन डिफ्लेक्शन विल बी फोर टाइम्स, यानी कि डायमेंशन मतलब लेंथ, लेंथ को डबल करते हैं तो क्या होगा, ये फोर हो जाएगा ना, फोर टाइम्स है, एरिया पर डिपेंड नहीं कर रहा ये। ठीक है, नेक्स्ट है डिफ्लेक्शन ऑफ कॉनिकल बार ड्यू टू सेल्फ वेट, देखिए कॉनिकल बार ड्यू टू सेल्फ वेट होता है वन थर्ड ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ प्रिज्मेटिक बार, वन थर्ड मीन्स ये देखिए ये गामा एल स्क्वायर अपॉन टू ई इंटू वन बाई थ्री, यानी गामा एल स्क्वायर अपॉन सिक्स ई एज पर ऑब्जेक्टिव, बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना इसको, तो डिफ्लेक्शन ऑफ कॉनिकल बार ड्यू टू सेल्फ वेट गामा एल स्क्वायर अपॉन में टू ई इंटू वन बाई वन थर्ड, यानी गामा एल स्क्वायर अपॉन में सिक्स। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने आपको आज काफ़ी टॉपिक्स कवर करवा दिए, और कल हम इस फर्स्ट चैप्टर को ख़त्म कर देंगे, अब इसमें एक टॉपिक बचा है टेम्परेचर स्ट्रेस, वो पूरा करके इसको ख़त्म कर देंगे, उसके पश्चात मैं आपको कराऊंगा एसएफडी एंड बीएमडी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सोम का, और उसके बाद में धीरे धीरे हम कुछ क्वेश्चंस भी लेके आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और वापस जाते जाते एक इम्पोर्टेंट चीज़ कि घर पे रहिए, सेफ रहिए, और हमेशा पॉजिटिव को अप्रोच कीजिए। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।